अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही चिकन कोरमा। शाही चिकन कोरमा बनाने के लिए हमने चिकन ले लिया है 1 किलो। दही इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून। 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून भर के ही हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। तो सबसे पहले हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, ये सिर्फ मैरिनेशन की चीज़ें हैं, तो उसके बाद ग्रेवी की मैं अलग से बताऊंगी। तो हमने इसमें डाल देना है लेमन जूस और मसाले, नमक और काली मिर्च, ये हमने डाल दिया। साथ ही हम इसमें डाल देंगे दही। दही आपके पास गाढ़ा दही हो तो इससे ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। ये हमने डाल दिया और हम इसको कर देंगे अच्छी तरह कोट कर देंगे चिकन के अंदर सारी चीज़ें। कोशिश करनी है कि पूरा चिकन अच्छी तरह दही और मसालों के साथ कोट हो जाए। ये हो चुका है। अब हम इसको कोई 25 से 30 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। साथ ही हमारे पास 6 मैंने ले ली हैं सब्ज मिर्चें, ये तीखी वाली सब्ज मिर्चें हैं, और साथ ही काजू मैंने ले लिए हैं कोई 15-16। तो कसूरी मेथी है हमारे पास 1 टेबल स्पून, 2 हमारे पास तेज़पात हैं और 2 ही दालचीनी की स्टिक्स हैं, 5 अदद हमने ली है सब्ज़ इलायची साबत, और ये हमारे पास वाइट पेपर है साबत 6-7 अदद। क्रीम हम इसमें यूज़ करेंगे कोई 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर। ये हमने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज उसका पेस्ट बना लिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, और साथ ही काजू और 4 अदद इसमें सब्ज मिर्चें, इन दोनों का पेस्ट बना लिया है। ये तीनों चीज़ें हमने पेस्ट की शक्ल में ले दी हैं। 2 से 3 टेबलस्पून हमने डाला है ऑयल, और इसमें सबसे पहले तो हम ये तेज़पात को थोड़ा सा तोड़ के और दालचीनी की स्टिक भी थोड़ी तोड़ देंगे, और साथ ही वाइट पेपर और सब्ज़ इलायची ये हमने डाल दिया। कसूरी मेथी हम रख लेंगे, ये बाद में हम यूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा पकाएंगे तेल में। पकाने के बाद हमने इसमें डाल देनी है प्याज, हमने डाल दिया, और प्याज को हम बस इतना पकाएंगे कि हल्का सा इसका कलर चेंज हल्का सा होने लग जाए। बस हम कोई 5-1 मिनट तक, 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसका बिल्कुल गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये हमारा वाइट शाही कोरमा है। वाइट शाही आप ग्रेवी के साथ कह लें या आप वाइट शाही कोरमा कह लें, या वो आपके अपने ऊपर है कि आप ग्रेवी इसमें कितनी रखें, कम रखें, ज़्यादा रखें, लेकिन जो जिस तरह भी बनाएं, बस इसका ये है कि प्याज का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। तो प्याज को हल्का सा हम पकाएंगे ताकि इसका कलर वाइट ही रहे। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि इसका कलर वाइट होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं, इसका डार्क नहीं आना चाहिए कलर। तो हम थोड़ा सा पकाएंगे इसको। प्याज हमारा हल्का पक चुका है, बस 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। ऑयल हमने इसलिए पहले कम डाला है क्योंकि दही में भी चिकनाई है और ऊपर से हमने क्रीम भी ऐड करनी है, तो इसलिए हमने 2 से 3 टेबलस्पून ही ऑयल इसमें डाला है। ये प्याज हमारा हो चुका है, इससे ज़्यादा हमने नहीं इसको पकाना है, कलर भी नहीं चेंज करना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हम 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेंगे। बहुत बारीक पेस्ट नहीं मैंने बनाया है, थोड़ा सा दरदरा सा रखा है इसको।
लहसुन अदरक को भी हमें पकाते हुए कोई 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट हुआ हुआ चिकन। इसकी पूरा दही और सारी चीज़ें सही तरह से हम इसमें पूरा डाल देंगे और इसको हम कर लेंगे अच्छा सा मिक्स। चिकन डाल के तो हम चिकन को इतनी देर पकाएंगे कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। जैसे ही कलर इसका चेंज होता है तो फिर उसके बाद हम इसको ढांप देंगे और कोई 15-16 मिनट के लिए ढांपेंगे मीडियम टू लो आग पे। तो इसी दौरान ये दही और मैरिनेशन सारी जो इसकी है इसका अच्छा खासा इसमें पानी हो जाता है और उस पानी में ये कोई 15-16 मिनट तक पकेगा और इंशाल्लाह उसी में ये सॉफ्ट हो जाएगा। तीन से चार मिनट हो गए हैं, कलर भी अच्छा सा चेंज हो चुका है चिकन का। अब हम इसको ढांप देंगे और मीडियम टू लो आग कर देंगे। तो इसको हमने कोई 15-16 मिनट के लिए ढांपना है, लेकिन बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हमारा जितना भी दही के अंदर पानी था वो पूरा ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। हमने जो काजू और सब्ज़ मिर्च थी उसका हमने पेस्ट बना लिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें हमने पेस्ट बनाते हुए डाल दी और 2 सब्ज़ मिर्चें हमारे पास जो थी वो हमने साबत रखी हुई हैं, उनको भी अभी हम साबत ही यूज़ करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर देंगे। ये हम साबुत मिर्चें भी डाल देंगे और दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए इसको ढांप देंगे ताकि काजू और सब्ज़ मिर्च का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। अब हम इसमें नमक थोड़ा सा और शामिल करेंगे। नमक हमने मैरिनेशन में डाल दिया था लेकिन हम इसमें कोई 1/2 टीस्पून के बराबर नमक हम डालेंगे। नमक आप अपनी जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप शामिल करें जितना आप डालते हों, क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन में भी डाला है। 3 से 4 मिनट हमें हो गए हैं इसको ढांपे हुए काजू डालने के बाद। डाल देंगे क्रीम। क्रीम आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, आप कम डालें ज़्यादा डालें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने कोई 4-5 टेबलस्पून की क्रीम डाली है। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। चिकन हमारा बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको बहुत ही एहतियात के साथ चम्मच चलाएंगे ताकि चिकन हमारा टूटे नहीं। ये देखिए क्रीम डालते ही इसका बहुत ही मज़े का टेक्सचर, बहुत क्रीमी और वाइट कलर आ जाता है। अच्छा सा मिक्स कर देंगे और इसको कोई 5 से 6 मिनट के लिए हम दोबारा ढांप देंगे ताकि ऊपर इसकी अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो जाए। मिनट हो चुके हैं हमें लो फ्लेम पे रखे हुए। अब हम इसको चेक करेंगे। ये आप देख रहे हैं ऑयल इसका बिल्कुल ऊपर आ गया है, जितना भी ऑयल हमने डाला था या तो फिर जितना क्रीम और दही में भी फैट होती है तो वो भी यकीनन उसका ऑयल भी ऊपर आता है। इसमें एक बात का ख़ास ख्याल रखना होता है कि ये नीचे नहीं लगने पाए। आप अगर चाहें तो आप नॉन स्टिक ले सकते हैं कढ़ाई, तो उसमें कम चांस होते हैं नीचे लगने के, लेकिन आपको अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं अवेलेबल तो फिर आपको बहुत ही ध्यान के साथ इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना होता है। अब हमने स्टेज पे डाल देनी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और कलर भी मज़े का हो जाता है। ये देखिए हमने थोड़ा सा हाथ से ही मैंने इसको मैश करते हुए डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स कर देंगे।
बस मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 2 मिनट तक फिर से रखना है ताकि इसका ऑयल दोबारा से ऊपर आ जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 2 मिनट के लिए सिर्फ रखेंगे हम। हो चुके हैं ये आप देखिए, इसका ऑयल फिर से ऊपर आ गया है जितना भी हमने डाला है। अब हम चूल्हा हमने बंद कर दिया, और अगर आप क्रीम ज़्यादा नहीं डालते तो फिर आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर आपने क्रीम थोड़ी ज़्यादा डाल दी है तो फिर ऑयल आपको इतना ही आपके लिए बहुत है जितना मैंने डाला है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप अगर इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखना चाहें तो आप जब चिकन को ढांप के आपने पका लिया उसके बाद आप काजू और बादाम का उसका सब्ज मिर्च का पेस्ट जब आपने ऐड किया उसके साथ ही आप उसमें पानी ऐड कर दें, या तो आप दूध शामिल कर दें 1-1.5 कप जितनी भी आपने ग्रेवी रखनी हो। लेकिन इसमें इसकी अपनी प्याज की और दही और क्रीम की सारा अच्छी खासी इसमें ग्रेवी आ जाती है वैसे ही। ये इतना पानी इसमें बिल्कुल नहीं शामिल किया क्योंकि इसका अपना ही सारी चीज़ों का ग्रेवी अच्छी खासी हो गई है। ये हमारा मज़ेदार शाही कोरमा तैयार है, वाइट शाही कोरमा। ये आप देखें बहुत ही मज़े की इसकी थिक सी ग्रेवी भी है, और ये इसका बहुत ही सॉफ्ट सा टेक्सचर और टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है। ये आपको जो ऑयल नज़र आ रहा है, ऑयल चूंकि मैंने डाला बहुत कम है, लेकिन ये क्रीम और योगर्ट का अपना जो उसमें चिकनाई होती है ये वो है, ये हेल्दी ऑयल है। तो यही ऊपर साइडों पे आया है, जब इसकी अच्छी कुकिंग हो जाती है तो ऑयल सेपरेट हो जाता है जितना उसमें डला हो। तो ये जितना इसमें ऑयल डला हुआ है वही साइडों पे आया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा रेसिपी को, और ट्राई करने के बाद कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये आपसे कैसी बनी और आपको पसंद आई या नहीं। तो अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा, वो भी बताइएगा ज़रूर। तो दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।